नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज जंक्शन एवं प्रयागराज शिवकी स्टेशन पर पिछले दिनों प्रवासी कामगारों द्वारा खाद्य सामग्री लूटने का मामला तूल पकड़ने के बाद अब रेलवे के अफसरों ने इन दिनों ही स्टेशनों पर आने वाली सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। अफसरों ने अपनी ही निगरानी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले श्रमिकों को भोजन वितरण शुरू कराया है। प्रयागराज जंक्शन पर ADRM अनुराग गुप्ता ने प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ अफसरों साथ प्रवासी श्रमिकों को भोजन एवं पानी वितरित किया। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर वापी से गाजीपुर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन दिन में 1:30 बजे जंक्शन पहुंची। यहां ADRM ने CPRO अजीत सिंह, सीनियर DCM नवीन दीक्षित, सीनियर DSC मनोज सिंह, स्टेशन निर्देशक अनुपम सक्सेना, प्रबंधक दिलीप ठाकुर आदि के साथ ट्रेन के सभी कोच में पानी एवं भोजन का वितरण किया। इस दौरान यात्रियों को बिस्किट, नमकीन, केला, मठरी, पूरी, अचार एवं मिठाइयां आदि दी गईं। मंडल के PRO सुनील गुप्ता ने बताया कि रेलवे एवं IRCTC द्वारा 911 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के तकरीबन 13 लाख लोगों को भोजन एवं पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर जंक्शन पर 1600 यात्रियों को लेकर वीरम गांव से श्रमिक स्पेशल ट्रेन शाम 6:30 बजे यहां पहुंची। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। श्रमिक ट्रेनें जो परिचालन की बात है, तकरीबन उत्तर मध्य रेलवे पे हम लोग प्रतिदिन 210 श्रमिक ट्रेनें, जिसमें श्रमिक ट्रेनें भी सम्मिलित हैं और साथ साथ उनके जो MT कोचिंग ब्रेक हैं, जो आगे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए ओरिजिनेटिंग स्टेशन को वापस करना है, ये 210 ट्रेनें चला रहे हैं। जहाँ तक आने वाली श्रमिक ट्रेनों की बात है तो 162 ट्रेनें उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र पर टर्मिनेट हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 2.5 लाख लोगों को बुलाया है। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो पास होती हैं और उत्तर मध्य रेलवे के स्टेशनों के उससे श्रमिक उतरे हैं, उसमें 30-40 हज़ार लोगों को लाया गया है। इसके साथ ही साथ लोगों ने 120 ट्रेनें यहाँ से लोगों को क्लियर करने के लिए चलाई हैं, जिसमें तकरीबन 1,60,000 लोग गए। कुछ क्या समझ आप, कुछ यात्री बता रहे हैं कि उनको खाने की प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा श्रमिक स्पेशल ट्रेन में खाने और पानी की कोई समस्या ना हो, इसको आप इस तरह समझें कि हम जितनी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन जा रही हैं उसमें खाने का पैकेट और पानी मुहैया करा रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 27 मई तक हम लोगों ने 1,122 ट्रेनों में लगभग 16 लाख खाने के पैकेट्स और पानी की बॉटल प्रोवाइड की थी। साथ ही साथ हमारे कमर्शियल विभाग के लोग और जो स्काउट्स के वॉलंटियर्स हैं, वो यहाँ पे पानी के पाइप के थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं कोचेस में। जितने हमारे कोच वाटरिंग स्टेशन हैं उत्तर मध्य रेलवे के, उससे कोच में वाटरिंग प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि टॉयलेट में, वॉश बेसिन में पानी लगातार अवेलेबल रहे। अभी तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है श्रमिक? देखिए, श्रमिक स्पेशल में इस तरह से कि ट्रैवलिंग के किसी कोई मानदंड, मतलब कोई रेलवे के खामी की वजह से ऐसा कोई भी मामला मेरी जानकारी में नहीं है। कुछ लोगों की डेथ जरूर हुई है, वो उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी कुछ बीमार थे, बीमारी का इलाज कराने हुए गए थे। अभी तक ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया जिसमें रेलवे की कोई कमी रही हो। जहाँ भी जब भी जरूरत पड़ी है, रेलवे ने हर एक व्यक्ति को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रेलवे ने जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, उससे श्रमिक स्पेशल में 13 बच्चों की का जन्म हुआ है और उनको जो भी मेडिकल असिस्टेंस था वो प्रॉपरली दिया गया है। थैंक यू। हैं, और कहाँ जाओगे? अच्छा, वहाँ जब चले खाना ना मिला था? हाँ, खाना मिला था। कोई समस्या नहीं है? मिल चुका है। टिकट भी मिला है?
हाँ टिकट मिला है। पैसा लिया गया था? क्या नाम तुम्हारा? नीरज कुमार।